गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। वो डिस्कस कर रहे थे एयरपोर्ट प्रोटीन, प्रोटीन का डिस्कस प्रीवियस क्लास में किए थे। किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई दिक्कत? शौर्य श्रीवास्तव, तो और मैंने होमवर्क दिया था आपको याद करने के लिए, याद किया पेज नंबर 23। जो जो याद कर लिया वो हाथ खड़ा करो, रेज करो अपने हैंड्स को। जो ये चार्ट पेज नंबर 23, विटामिन्स, देयर सोर्सेस, फंक्शन एंड डिफिशिएंसी डिजीज, अगर आपने याद कर लिया तो उसको हैंड्स अप करो, रेज करो। सौर्य, सौर्य बोलो, विटामिन सी का सोर्सेज बोलो। सर विटामिन सी का सोर्सेज है कॉन्ट्रास्ट like orange and melon and guava green, chilies of Indian gooseberry also. देख के बताया? हैं? नहीं सर, नो सर। वीडियो ऑन करो। नो सर। वीडियो ऑन करो। यस सर के। चलो तो इसको यहाँ देखो, यहाँ पर यहाँ देखो। yes. अब बताओ कि व्हाट आर इसका सिम्टम्स, बताओ विटामिन सी का सिम्टम्स क्या होगा एंड डिफिशिएंसी डिजीज क्या होगा, सिम्टम्स एंड डिफिशिएंसी डिजीज बताओ। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। सर मैं बताऊं? हाँ बोलिए। सर स्कर्वी। हाँ स्कर्वी। सर कृतिका पांडे। हाँ बोलिए बोलिए। सर स्कर्वी। हाँ स्कर्वी, स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स। वेरी गुड। स्पॉन्जी एंड ब्लीडिंग गम्स कहाँ पर हो जी? आई कांट गेट। सर ओके ठीक है। अब कुमारी अनंदिता, क्या है तुम्हारा प्रॉब्लम? कुमारी अनंदिता, अनंदिता क्या प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम है? बग गई। चलो ठीक है, विटामिन के बारे में बताओ, सोर्सेज, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के, विटामिन के का सोर्सेज क्या है? विटामिन के का सोर्सेज बताओ। तान्या सिंह, रितिका पांडे, आवाज नहीं। यस सर। सर विटामिन के, सर विटामिन के हम लोगों को ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिलता है। और क्या इसका फंक्शन है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन के? विटामिन के का फंक्शन क्या है? सर हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग।
हमारी अनंता कहाँ चली गई जी, सुनाई दे रहा है? कुमारी अनंदिता, यस सर सुनाई दे रहा है। तो फिर जवाब क्यों नहीं दे रही है? व्हाट आर द डिफिशिएंसी डिजीज यानी सिम्टम कॉजेड बाय विटामिन के? सर प्रोंगल्ड एंड एक रिपोर्ट आप चुप रहो तुम, आप दूसरे को चांस दो। सर नाइट ब्लाइंडनेस ड्राइनेस ऑफ स्किन। कौन बताया? दिव्यांशु, दिव्यांशु यस सर। क्या हो रहा है तुम्हारे पीछे? चलो सृष्टि गुप्ता। यस सर। बताओ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन ई? आगे देखो, आगे किताब में नहीं सर। विटामिन ई? हाँ आगे देखो, आगे किताब पर नहीं देखना है सर। वेजिटेबल्स। हाँ वेजिटेबल वाइल्स आयल्स है, आयल्स ना कि वेजिटेबल है। बोलो, नहीं याद की है सर? ऑयल्स पे नहीं याद की है? क्लियर हो गया। तो आयुष राज। यस सर। बोलो विटामिन डी को बोलो, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन डी? सर विटामिन डी का सोर्सेज क्या है? सर नहीं पता। क्यों नहीं पराय करते है जी? सर आईटेल। वंश विपुल, वंश विपुल इसका सिंह बोलो तो तुम। इसका सिंह, इसी का सिंह। यस सर। अब किताब देखने लगे। किताब नहीं देखना है, आगे की ओर देखो, बोर्ड को। और बताओ व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन बी? सर व्हाट आर द फंक्शन ऑफ विटामिन बी? सर फंक्शन, हां इट इज फॉर मेकिंग मसल स्ट्रांग और सर गेटिंग एनर्जी। बुक देख के बता रही है, बता रही है ना? नहीं सर। तो बताओ व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन बी? सर बी का सर बी का सर बी का है वी सर राइस। और अब देख रही है, देख सर, रही है ग्रेन्स? देख रही थी ना? यही? नहीं सर बुक बंद है। गार्जियन को बुला दे। गार्जियन को बोले कान्या सिंह। चलो नेक्स्ट। तो यानी आपको ये जो चार्ट है पेज नंबर 23 इसको आपको लर्न करना होगा। कुछ देर के लिए हम दूसरी को मिलो, आपस में क्वेश्चन पूछोगे, जैसे किसी का सेम क्वेश्चन पूछो कोई भी,
चलो ये तो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछो, इसी का सेम क्वेश्चन पूछो। विशेखा सिंह सब अनम्यूट हो गया। सत्यम कुमार सत्यम कुमार तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे फैट्स के बारे में, अब डिस्कस करेंगे वो चार्ट्स के बारे में हो चुका था। फैट्स में जो है मैंने बताया था कि तीन तरह के फूड्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और फैट्स एनर्जी गिविंग फूड्स है। ओके, तो इस केस में फैट्स आर आल्सो मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स जो बना है वह कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। ओके, ना कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना है, तो इसमें लेकिन आप इससे पहले प्रोटीन भी देखे होंगे, उसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, उसके अलावे उसमें क्या था, नाइट्रोजन था, सल्फर था, फास्फोरस था, है ना, क्लियर। तो इसमें जो है लेस ऑक्सीजन होता है इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में भी कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स में दोनों में फर्क क्या है, फैट्स में आपको ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो कम होता है ना, ऑक्सीजन का अमाउंट जो होता है वो कम होता है। तो दे प्रोवाइड मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर तुम्हें ये क्या करता है, डबल एनर्जी देता है, किसके कंपैरिजन में, कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में। अगर आप 100 ग्राम राइस खाते हो और 100 ग्राम कोई फैट्स लेते हो, है ना, फैट्स में बटर घी ये सब आता है, तो वह जो 100 ग्राम घी और 100 ग्राम राइस, तो 100 ग्राम घी जो है राइस के कंपैरिजन में डबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, लेकिन डबल एनर्जी तो प्रोवाइड करेगा लेकिन उसको डाइजेशन करने में भी काफी मेहनत की जरूरत होती है ना, इसीलिए सबका पॉसिबल नहीं है कि उसको डाइजेस्ट कर पाएगा। तो आपको फैट्स में भी कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया है, वहीं पर कार्बोहाइड्रेट्स भी है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू फैट्स। और कहता है कि अगर सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए और सेम अमाउंट ऑफ फैट्स लीजिए तो फैट्स आपको क्या करेगा, डबल एनर्जी प्रोवाइड करेगा इन कंपैरिजन टू कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर क्लियर आप देखिए कि विटामिन ए एंड डी, विटामिन ए और डी आर सॉल्युबल इन फैट्स। अब विटामिन ए जो है वो फैट्स में ही घुलनशील होता है, है ना, वो अदर चीजों में नहीं है। ए तो फैट्स का होना जरूरी है तभी आपको विटामिन ए काम करेगा, है ना। तो विटामिन ए एंड डी आर सॉल्युबल इन फैट्स एंड फैट्स आर एसेंशियल फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी।
अब विटामिन ए जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, अब विटामिन ए हमें खा भी लेंगे तो वह बॉडी में अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, क्यों? ड्यू टू फैट्स, फैट्स ही नहीं बॉडी में है तो फैट्स का होना जरूरी इसलिए आवश्यक है फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। तो ए और डी, डी से आपको बोन्स में मजबूती मिलता है, स्ट्रॉन्गनेस मिलता है, और डी के कारण कौन सी डिजीज क्रिएट होता है, विटामिन डी की वजह से कौन सी डिजीज क्रिएट होता है? चलो जी ऋतुराज, ऋतुराज। यस सर। विटामिन डी की वजह से कौन सा डिजीज क्रिएट होता है? सर रिकेट होता है। रिकेट, ठीक है। और तो रिकेट और बोलेक्स, कौन बोला? तो यहाँ पे तो ये जो बोल रहा है कि विटामिन और ए और डी जो है सॉल्युबल इन फैट्स है, तो यानी फैट्स इसीलिए एसेंशियल है फॉर देयर एब्जॉर्प्शन इन आवर बॉडी। फैट्स कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, फैट्स दोनों स्पीशीज है। मैंने कहा कि अगर आप मीट खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं वो उसमें ऑयल ही ज्यादा होता है, वो फैट्स कहलाता है ना, व्हाइट कलर का होगा। तो प्लांट्स में भी मिलता है और एनिमल्स से भी फैट्स मिलता है। वेजिटेबल ऑयल्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंड ऑयल, ये सब प्लांट्स से मिलते हैं और इसमें फैट्स होते हैं, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर ऑल्सो रिच सोर्सेज ऑफ फैट्स, तो ड्राई फ्रूट्स जो भी होंगे और नट्स इस सब में फैट्स होते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे बटर, घी, मीट, चीज, एग्स आर सोर्स ऑफ फैट्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स। तो फैट्स दोनों चीज से मिलती है, एनिमल्स से भी मिलती है और प्लांट से भी मिलता है, और इसको होना जरूरी है किसके लिए? विटामिन ए और डी के लिए, क्योंकि फैट्स में ही विटामिन ए और डी सॉल्युबल है। अब है टेस्ट फॉर फैट्स, फैट्स को हम कैसे टेस्ट कर पाएंगे, एक्सप्लेन कौन करेगा? फैट्स को कैसे हम, मैं करूंगा, बोलो सर। बोलो सर, पहले पेपर लेना है सर, पहले पेपर लेना है और उसके बाद सर वैसा फूड सैंपल लेना है सर जिसमें लगता है कि सर उसमें फैट होता है, और सर फिर उसको सर रफ करना है पेपर को ऊपर, इसके बाद उसके बाद अगर फिर ट्रांसपोलेट मार्क बनता है सर, मतलब होता है सर उसके अंदर फैट है। तो दैट मींस आप देखते होंगे कि कोई कोई लोग जो आर्टिस्ट होते हैं जिसको फिगर बनाने नहीं आता है, वो पेपर में क्या करता है, तेल लगा देता है ना, और वो नीचे वाले वो दूसरे जहाँ फिगर बनाओ उस पर वो रख के और फिगर स्केचिंग करता है। तो यहाँ पर जो डिटेक्शन ऑफ फैट्स है, फैट्स को डिटेक्ट करना है, तो कहता है जैसे आप कोई भी बादाम खाते होंगे है ना, मूंगफली खाते हो ना जी, तो मूंगफली को क्या करो, उस पेपर पर रगड़ दो, देखोगे तेल जैसा लगेगा, वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वो पेपर है ना। कोई बुक पर रखेंगे तो उसका लेटर्स दिखाई देगा, मींस कि उसमें फैट्स है, ये डिटेक्शन हो गया। अब है विटामिन, और विटामिन जो है वो कौन सा फूड है, प्रोटेक्टिव फूड है। विटामिन क्या है, प्रोटेक्टिव फूड है। तो विटामिन के बारे में अब जो है, जिस तरह से कोई भी आप बीमार पड़ता है तो लोग क्या करता है, एंटीबायोटिक खाता है, उसी तरह से विटामिन है, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ये जस्ट लाइक एज एंटीबायोटिक्स हुआ। अगर आपको कोई वायरल सीजनल कोई बीमारी क्रिएट हो रहा है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि उस समय में खाना कम कर दो और विटामिन
के अमाउंट को बढ़ा दो, यानी फ्रूट्स ज्यादा ले लो, वेजिटेबल ज्यादा ले लो, तो आपको क्या होगा कि आप उस वायरल फीवर से, वायरस सीजनल जो डिजीज हो रहा है उससे आप प्रोटेक्शन मिल सकता है। तो विटामिन आर इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो ये आपको हेल्थ के इंप्रूव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही जरूरी है। प्रॉपर ग्रोथ, उसका प्रॉपर जो वृद्धि होनी चाहिए कि वह सब विद द हेल्प ऑफ विटामिन ही होगा। अभी देखते हैं कि कोरोना काल में करा विटामिन सी खाओ, इसको हो गया है, उसको कहता है कि विटामिन 12 भी लो, विटामिन सी भी लो, जिंक भी लो, मिनरल जिंक कहा आ गया, मिनरल्स में आ गया। तो दीज आर नीडेड इन ए स्मॉल क्वांटिटी ओनली, दी डू नॉट प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी विटामिन एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। तो बायोकेमिकल जो चेंजेज होगा उसमें विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है। प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन। अब जैसे ऑरेंज मिलता है तो प्लांट से मिल रहा है, उसमें कौन सा विटामिन है, तो सी है। तो ऐसे यानी प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ, दे आर फाउंड इन ऑल फ्रेश फूड्स, हाउएवर सम विटामिन्स गेट डिस्ट्रॉयड बाय कुकिंग। और कुछ ऐसे हैं विटामिन जिसको आग पर रखेंगे, कुकिंग करने पर वह खत्म हो जाती है, तो इसको बचाने के लिए उसको आग पे नहीं रखना है कुछ विटामिन, है ना। तो विटामिन हेल्प्स टू कीप अप आवर आईज बोन्स टीथ एंड गम हेल्दी। तो विटामिन क्या करता है, हमारे आंखों को, हड्डियों को, दांतों को, ये सब स्वस्थ बनाने में हेल्प करता है। इफ आवर डाइट लैक्स विटामिन्स, मेनी बायोकेमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी विल नॉट टेक प्लेस एंड वी मे सफर फ्रॉम डिफिशिएंसी। मैंने पहले ही आपको बोला था कि चार्ट याद कर लेना है। तो डिफिशियंसी डिजीज, दो तरह के डिजीज होते हैं, डिफिशियंसी डिजीज और कॉम्युनिकेबल डिजीज। डिफिशियंसी डिजीज कोई ना कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाने के कारण डिजीज क्रिएट होता है, और डिफिशियंसी विटामिन के कारण या कार्बोहाइड्रेट के कारण डिजीज क्रिएट हुआ, या डिफिशियंसी। और कॉम्युनिकेबल है, एक दूसरे से फैलना, है ना, वो कॉम्युनिकेबल डिजीज में आ जाता है। अतुल सर, डिफिशियंसी डिजीज को नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं। हाँ, ये आप डिफिशियंसी डिजीज आप टच भी करेंगे तो आपको बीमारी नहीं फैलेगा, उसके साथ आराम से रह सकते हैं, लेकिन कॉम्युनिकेबल डिजीज के साथ प्रॉब्लम है, उसके साथ रहने पर वो फैल जाएगा, आपको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन डिफिशियंसी डिजीज के साथ रहने पर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ट्यूबरक्लोसिस टीवी, ये क्या है, कॉम्युनिकेबल डिजीज है। तो जिस आदमी को होता है उसका अगर छू छा लिया कोई चीज, जिस प्लेट में वह खा रहा है उसी प्लेट में आप भी खा रहे हैं, तो हो सकता है ट्यूबरक्लोसिस हो जाएगा। तो कॉम्युनिकेबल डिजीज जो है वह फैलता है, उसके साथ रहने में, टच करने पर वह कॉम्युनिकेट करता है, है ना। नाइट ब्लाइंडनेस और ड्राई स्किन स्प्रेड कर गया, दैट मींस वह फैल रहा है एक दूसरे से टच करने से। हाँ बोलिए सर, डिजीज में सर वायरस भी आता है। हाँ वायरस, ये वायरस जो है वह दोनों चीज है, लिविंग थिंग्स भी है, नॉन लिविंग थिंग्स है। नॉन लिविंग थिंग्स के साथ रहेगा तो डेड कर जाएगा वहां पर, वो अपनी वो ज्यादा देर सरवाइव नहीं करेगा, है ना। जैसे ही उसको होस्ट मिल गया, कोई लिविंग थिंग्स मिल गया, तो वह दिन दुना रात चौगुना तरक्की करने लगता है, इम्प्रूव करने लगता है, अपना नंबर बढ़ाने लगता है, और उसको लिविंग थिंग्स को नुकसान पहुंचाने लगता है। ओके क्लियर। तो वायरस होस्ट चाहिए, लिविंग थिंग्स चाहिए, जैसे ही मिला वह उसको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देता है। तो डिफरेंट विटामिन का अलग अलग नाम है, विटामिन ए, विटामिन बी, क,
कॉम्प्लेक्स विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, ग्रुप ऑफ विटामिन है, इसमें बहुत सारे विटामिन, विटामिन बी 12 भी कहते हैं उसको, है ना। तो दो तरह के विटामिन को बांट दिया गया, एक वाटर सोल्यूबल विटामिन और दूसरा फैट सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन ए डी ई के आर सोल्यूबल इन फैट्स, वेयर एज विटामिन बी एंड सी आर वाटर सोल्यूबल। यानी बी और सी, जैसे विटामिन सी साइट्रस फ्रूट में पाया जाएगा, तो ये पानी में घुलनशील है, यानी इसको। लेकिन वहीं पर विटामिन ए जो है डी ई एंड के आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, दीज आर सॉल्युबल इन फैट्स। इसीलिए फैट्स ये मत सोचना है कि चलो फैट्स खाएंगे तो मेरा चर्बी मोटा हो जाएगा। फैट्स भी इम्पोर्टेंट, सबका अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है ना। उसका एक अमाउंट एक्सेस कोई भी चीज होगा, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज वेट, चाहे वह अमृत ही क्यों ना पी लो तो भी खराब ही करेगा। तो वही चीज बोल रहा है कि आप फैट्स भी लेना जरूरी है, क्योंकि कुछ विटामिन दो कैटेगरी में बांट दिया है, कुछ विटामिन वाटर में सॉल्युबल है और कुछ विटामिन फैट्स में सॉल्युबल है। तो विटामिन ए डी ई एंड के आर सॉल्युबल इन फैट्स। ए के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होगा, ई के कारण बोन्स मजबूत नहीं हो पाएगा, रिकेट्स हो जाएगा, और ई के कारण जो बारी बारी में क्या होता है, पावर खत्म हो जाएगा, है ना। आज जो इतना आईवीएफ वगैरह जो खुल गया है वो ड्यू टू विटामिन ए ई। तो ई का जो बारी बारी क्या होता है, ये सभी सक्सेस कब होगा, जब बॉडी में फैट्स होगा, वो फैट्स आप लेंगे तभी ये सक्सेस होगा। तो फैट्स का भी लेना, बारी बारी डिजीज में क्या होता है, क्या बोला सर, बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है, सर बेरी बेरी डिजीज में क्या होता है, जो बेरी बेरी जो है वो आपको विटामिन बी की कमी से होता है, उसमें जो है आपको एक तरह से वो मतलब वो उसका साइज जो है ना शेप बदल जाएगा। जैसे देखो उसके बॉडी का जो वीकनेस महसूस होगा, मसल्स में दूसरे टाइप का आपको लगेगा, पेट अलगा हुआ है ना, हाथ पैर बहुत दुबला है, थीन है, वो बेरबेरी डिजीज कहलाएगा, मसल्स वीक हो जाएंगे ना उसका, ठीक है। बेरबेरी एक तरह से भुखमरी, खाना नहीं मिल रहा है तो बेरबेरी वो आपको राइस जिस समय पाया जाएगा है ना। क्वास्टर कोर एक डिजीज होता है ना जी, वो आपको फिगर आपको प्रीवियस क्लास में दिखाया होगा, बेरबेरी डिजीज कोई बच्चा देखा है, हाँ सर, यस सर, दिखाया था, हैं, यस सर, देखे थे क्या सर, 5 क्लास में था, हाँ प्रीवियस क्लासेस में फिगर के साथ था, अभी नहीं है इसमें। उसका जो है ना हैंड्स फूट ये सब का शेप जो है बहुत ही थीन होगा, और पेट होगा अलगा हुआ, बेरी बेरी हुआ, वो आपको विटामिन बी की कमी से होता है। और वो कहाँ का, राइस में, व्हीट में, ईस्ट में, लीवर मिल्क ये सब में पाया जाता है ना। यस क्लियर सर, हाथ में लाल लाल आ जाता है। तो दोनों तरह के विटामिन के बारे में समझ में आ गया कि एक विटामिन है फैट में सोलेबल, yes, और दूसरा विटामिन है सर इसमें वो है वाटर में सोलेबल। वाटर में सोलेबल दो ही विटामिन है, वो है विटामिन बी और सी, बी सी, बी के कारण बेरबेरी हो गया और साइट्रस फ्रूट हुआ सी, है ना, जिसमें एस्कर्वी वगैरह, एस्कर्वी, स्पॉन्जी, ब्लीडिंग गम्स, मसूरा से जो है ना ब्लड आता रहेगा दांत से, दैट मींस विटामिन सी की कमी है, इसीलिए उसको विटामिन सी दिया जाता है आदमी, मतलब विटामिन सी खा लो ठीक हो जाएगा, है ना।
सर योर वॉइस इज कमिंग वेरी लो, तो नेटवर्क लो हो रहा होगा। ये तो मैंने कितने दिनों से बता दिया, आप लोग ट्रेंड हो गए होंगे ना जी, कि जब आपका बैंडविड्थ लो होगा इंटरनेट अनस्टेबल दिखाई देगा, तो समझो कि वॉइस का जो लो है वो अप डाउन करेगा। तो ये सर विटामिन ई की कमी से कौन सा डेफिशिएंसी डिजीज होता है? हाँ? सर विटामिन ई की कमी से तुमको याद करनी चाहिए जी। सर स्टेरिलिटी क्या होता है? उसका लॉस कर जाएगा विटामिन ई, जिसका कमी, जिसमें इस बुक में आपको स्टेरिलिटी दिखाया है ना, इनफर्टिलिटी, उसमें कौन सा बीमारी होता है? हैं सर उसमें क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब हुआ कि वह अपने जैसे जो है रिप्रोडक्शन पावर उसका खत्म हो जाए, वो अपने जैसे रिप्रोड्यूस, रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोड्यूस दोबारा उत्पन्न करना, तो वो अपने जैसे बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। यही आपको देखिए लिखा हुआ है ना, फंक्शन ऑफ विटामिन ई, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका प्रॉपर वर्क करेगा, उसके लिए विटामिन ई का होना जरूरी है। और विटामिन सर ग्वाइटर किसमें, कौन से विटामिन में पाया जाता है? ग्वाइटर विटामिन के कारण होता है कि आयोडीन की कमी, मिनरल्स वन हो जाए, सब विटामिन ही हो जाएगा। ग्वाइटर है तुम्हारे चार्ट्स में, पेज नंबर 23 में दिया हुआ है कहीं? नो सर। तो नो सर, तो आपको सभी चीज का अपना अपना इम्पोर्टेंट रोल है, ऐसा नहीं है कि केवल फल फूल खाओ जिंदा रहो, है ना। इसके लिए आपको राइस, है ना, राइस का भी अपना इम्पोर्टेंट रोल। सर सारे एनिमल लोग को भी लेना जरूरी है, सारा एनिमल लोग को भी चाहिए सारा विटामिन। एनिमल को मिल ही नहीं जाता है, वो एनिमल जो है गाय भैंस जो पाला हुआ है, तो उसको जो तुम खिला रहे हो गाय घास वगैरह, तो घास में सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएगा ना। सर प्रोलॉन्ग्ड कौन सा बीमारी है? सर सर विटामिन के में डिफिशिएंसी डिजीज से होता है, सब लिखा हुआ है सर विटामिन के। आपको जब काट घाव वगैरह होगा, अगर आपको ज्यादा प्लेटलेट्स जो होता है ना बॉडी में, तीन तरह के, वो होमोग्लोबिन, व्हाइट ब्लड्स और प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स की कमी हो जाएगी तो वो क्लॉट नहीं कर पाएगा, कहीं कट गया तो खून बहता रहेगा, प्रोलॉन्ग एंड प्रोफ्यूज ब्लीडिंग ड्यू टू डिलेड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये कंटिन्यू अगर कहीं कट गया तो ब्लड ब्लीडिंग होते ही रह जाएगा। तो विटामिन के की इसीलिए कहता है ना कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरा साग सब्जी खाया करो, है ना, तो वह आपको विटामिन के प्रोवाइड करता है। और वह आपको किस चीजों में हेल्प कर रहा है? ब्लड क्लॉटिंग में, कहीं कट जाएगा भी तो अपने आप कुछ दिनों में वो क्या हो जाएगा, ब्लड बहना बंद कर देता है। अगर ये विटामिन के की कमी होगी तो वह कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा, आप मेडिसिन खाते रहिए, उसको बैंडेज लगाते रहिए, वो कपड़ा सब ब्लड से पूरा भर जाएगा लेकिन रुकेगा ही नहीं, विटामिन के वहां जरूरी। सर हां ऐसे हमारे शरीर में ब्लड कमी किससे होता है? हैं सर सब बोलते हैं सर, शुगर बीमारी क्या चीज होता है? शुगर बीमारी जो है वो ज्यादा शुगर खा लोगे तो क्या है, इंसुलिन बॉडी से निकलता है, वो पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, जिससे पैनक्रियाटिक जूस निकलता है, वो निकलना कम हो जाएगा तो क्या होगा, आपको शुगर बीमारी हो जाएगा। और शुगर बीमारी इतनी खतरनाक होती है कि आपका किडनी को भी डैमेज कर देगा, हार्ट को भी डैमेज कर देगा, आई की जो विजन है रेटिना को भी डैमेज कर देगा। तो वो शुगर ज्यादा टॉफी, ज्यादा बात बात पर जो है कोई ना कोई बहाना से जो शुगर खाता रहता है
उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। उसके लिए हार्ड लेवर करोगे तो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो रिलीज करेगा पेनक्रियाज, जिसको इंसुलिन कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल इंसुलिन लेना पड़ता है। फिर जितना तुमने चीनी खाया उतना दिनों तक रोक देगा, कहेगा आप चीनी, ये चावल नहीं खाओ, रोटी नहीं खाओ, इसमें भी शुगर है, इसमें भी शुगर है, ये फ्रूट्स नहीं खाओ, वो फ्रूट्स नहीं खाओ, तो पहले से ही वह नहीं खाया करो। ओके, क्लियर? यस सर। समझ में आ गई? यस सर। तो पेज नंबर 23 याद कर लेंगे, कर लेंगे। यस सर। यस सर। 25 में भी कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन, सर ये भी याद करना। यस सर। उस चार्ट को भी याद कर लेना, ये होमवर्क हो गया। पेज नंबर 23 को भी याद कर लेना। सर पेज नंबर 23 एंड 25। यस। यस। तो लर्न पेज नंबर 23 एंड 25 और कीवर्ड्स भी याद कर लेना है, कल हम पूछेंगे। ओके, कीवर्ड्स। हाँ, कीवर्ड्स भी। हाँ सर, कीवर्ड्स है, है ना, हर एक चैप्टर के yes. एक कीवर्ड्स होता है, उसको भी याद।